सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह और दोस्तों एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां पर दोस्तों मैं करने जा रहा हूं एक स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन। दो मेरे पास यहां पे लेटेस्ट डिवाइस है, एक है पोको F1 और दूसरा है ऑनर प्ले। दोस्तों पिछले वीडियो हमने पोको F1 का तो स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन कर दिया था, बट यहां पर दोस्तों मैं ये देखना चाहता हूं कि ऑनर प्ले के स्पीकर की ऑडियो आउटपुट कैसी है। इसलिए दोस्तों मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बाकी तीन फोन्स के साथ, रेडमी नोट 5 प्रो, MI A2 और पोको F1। यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे किस फोन की स्पीकर के ऑडियो आउटपुट ज्यादा बेटर है। हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पे दो राउंड को परफॉर्म किया जाएगा, एक होगा रिंगटोन टेस्ट और दूसरा होगा यूट्यूब टेस्ट। और दोस्तों इस डिजिटल लेवल साउंड मीटर की मदद से मैं ये टेस्ट को परफॉर्म करूंगा और इसी डिजिटल लेवल साउंड मीटर में जो वैल्यू कम से कम मुझे दो बार देखने को मिलेगी मैं उसको कंसीडर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेडमी नोट 5 प्रो के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सेटअप को जो है तैयार कर लिया है। रेडमी नोट 5 प्रो का स्पीकर ऑरियंटेशन इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं एक रिंगटोन को। चलिए दोस्तों एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं। रिंगटोन टेस्ट के अंदर दोस्तों में 95 डेसिबल्स जो है वो मैक्सिमम देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की, प्ले कर देते हैं एक यूट्यूब की वीडियो को। और दोस्तों फाइनली मैं एक और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं दोस्तों करने जा रहा हूँ MI A2 का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेम फोन्स का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 89। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पर MI A2 की। Xiaomi MI A2 का भी स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए दोस्तों अब प्ले करते हैं एक रिंगटोन को। दोस्तों एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं। दोस्तों रिंगटोन टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 94 डेसिबल्स। अब बारी आती है दोस्तों सेकंड राउंड की, चलिए एक यूट्यूब की वीडियो को प्ले करते हैं। दोस्तों फाइनली मैं एक और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं दोस्तों करने जा रहा हूँ MI A2 का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेम फोन्स का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं लिंक। तो यूट्यूब टेस्ट के अंदर दोस्तों जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 90 डेसिबल्स। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पर पोको F1 की। यहाँ पर दोस्तों पोको F1 का भी स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब हम एक रिंगटोन को प्ले करते हैं। एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं दोस्तों। तो रिंगटोन टेस्ट के अंदर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 90 डेसिबल्स। चलिए दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की, प्ले कर देते हैं एक यूट्यूब की वीडियो को। दोस्तों मैं हूं गुरप्रीत सिंह और दोस्तों फाइनली मैं एक और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं दोस्तों करने जा रहा हूं MI A2 का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेम फोन्स का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैक्सिमम आउटपुट देखने को जो मिले दोस्तों वो थे 89 डेसिबल्स। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बारी आती है ऑनर प्ले की।
दोस्तों ऑनर प्ले का भी स्पीकर ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। चलिए अब एक रिंगटोन को प्ले करते हैं। एक और रिंगटोन को प्ले करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिंगटोन टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 92 डेसिबल्स। चलिए दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की, प्ले कर देते हैं एक यूट्यूब की वीडियो को। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह और दोस्तों फाइनली मैं एक और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। यहां पर मैं दोस्तों करने जा रहा हूं MI A2 का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने सेव फोन का बैटरी रिचार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। YouTube टेस्ट के अंदर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले वो थे 87। स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन दोस्तों कंप्लीट होता है। रिंगटोन टेस्ट के अंदर दोस्तों जो हमें सबसे ज्यादा डेसिबल्स देखने को मिले वो थे Redmi Note 5 Pro के अंदर 95 डेसिबल्स। उसके बाद दोस्तों कम देखने को मिलते हैं हमें 94 डेसिबल्स MI A2 के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहां पर ऑनर प्ले आता है 92 डेसिबल्स के साथ, और दोस्तों पोको F1 रह जाता है सबसे लास्ट में 90 डेसिबल्स के साथ। और बात करते हैं दोस्तों सेकंड राउंड की जो था YouTube टेस्ट, उसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा डेसिबल्स MI A2 के अंदर देखने को मिले 90 डेसिबल्स, और दोस्तों Redmi Note 5 Pro और पोको F1 दोनों के अंदर सेम वैल्यूज देखने को मिली 89 डेसिबल्स, और सबसे लास्ट में यहाँ पे पीछे रह जाता है ऑनर प्ले 87 डेसिबल्स के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हमने रिजल्ट देखे किस फोन की स्पीकर की ऑडियो आउटपुट कितनी मैक्सिमम लेवल पे है। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर हमने ये देखा कि Redmi Note 5 Pro और MI A2 दोनों के जो रिंगटोन की ऑडियो आउटपुट है वो सेम लेवल पे है, बट दोस्तों यहाँ पर पोको F1 के जो रिंगटोन का स्पीकर है वो बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाता है, 90 डेसिबल्स आते हैं इसके अंदर। YouTube टेस्ट के अंदर दोस्तों हमें इन तीनों फोन्स के अंदर सेम ही ऑडियो आउटपुट देखने को मिला, बट सबसे कम जो YouTube की ऑडियो देखने को मिली वो थी Honor Play के अंदर, 87 डेसिबल्स ही देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर। ये थी वीडियो दोस्तों स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन की चार फोन्स के साथ, Honor Play वर्सेस Redmi Note 5, MI A2 और Poco F1। बताएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक बटन को हिट करिए। ऐसी और कोई कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। और दोस्तों जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।